हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th पोएट्री सेक्शन में आपकी दो पोइम हो गई थी, मर्सी और स्कॉलर। आज आपकी थर्ड पोइम स्टार्ट हो रही है, एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट हैं इसके, और इन्होंने लगभग 5 पोइम्स लिखी हैं जो नेचर पोएट कहलाते हैं। इन्हें प्रकृति बहुत पसंद थी, तो 5ों पोएम में इन्होंने लूसी नामक एक लड़की को रखा है जो इस पोएम की हीरोइन है, लूसी, किसी न किसी तरह से। तो यहाँ भी एक बहुत सुंदर सी बच्ची जो है वो पृथ्वी पर पैदा हुई है। प्रकृति माँ उसे देखकर बहुत मोहित हो जाती है। 3 वर्ष तक वो प्रकृति तीन वर्ष तक वो यूं ही खेलती रहती है और बढ़ती है। तब प्रकृति माँ निश्चित करती है कि उसे मैं स्वयं गोद लूँगी और इसका सारा का सारा लालन पालन मैं खुद करूँगी, पालन पोषण खुद करूँगी। और इसके लिए प्रकृति माँ उसे गोद लेना चाहती है और उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करती है। पर तैयारी कर लेने के बाद भी वह प्रकृति माँ के साथ नहीं रहती है और प्रकृति माँ को अकेले छोड़कर चली जाती है। ये है इस पोइम में, दुख भरी पोइम है अंत में बहुत ज़्यादा। तो प्रकृति माँ को अकेला छोड़कर चली जाती है, ये है पोइम प्रकृति की कविता एजुकेशन ऑफ नेचर। इसमें है प्रकृति माँ जो डिसाइड करती है तो वो अपनी पुत्री को क्या शिक्षा देती है, वो सब इसमें। ठीक है, चलिए आइए आप पोइम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है 3 years she grew in sun and shower। 3 साल तक वो पली बड़ी सूरज की रोशनी में और बारिश में। देन नेचर सेड, तब प्रकृति माँ ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वॉज नेवर शून, इतना सुंदर पुष्प पहले कभी मैंने पृथ्वी पर खिलता हुआ नहीं देखा। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ टेक, इस बच्ची को मैं खुद गोद लूंगी, स्वयं गोद लूंगी और इसका पालन मैं खुद करूंगी। शी शैल बी माइन, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, और अ लेडी ऑफ माई ओन, मैं उसे अपने अनुसार एक स्त्री बनाऊंगी, मैं उसे एक अपने अनुसार स्त्री बनाऊंगी जैसे मैं चाहूंगी वैसे। सेकेंड स्टैंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग भी, वो मेरी सबसे प्यारी बच्ची होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, दोनों नियम कानूनों को मानेगी, उनका पालन करेगी मेरे साथ। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, वह लड़की रॉक चट्टानों में भी चलना सीखेगी और प्लेन जो है वो समतल रास्तों पर भी चलना सीखेगी। इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर भी चलना सीखेगी एंड और स्वर्ग में भी चलना सीखेगी। ग्लैड एंड बोअर का मतलब खुले स्थान में भी सीखेगी चलना और बंद स्थान में भी वह सीखेगी। शेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, उसके अंदर दूरदर्शिता वाली शक्ति होगी। टू कंडल और रिस्टेंड, इसी से सभी को आराम देगी, आनंद देगी। थर्ड स्टैंजा बेटा, ये बोर्ड में बहुत आता है, माई सेल्फ वाला भी, ये वाला भी, इसे पढ़िएगा ध्यान से। शी शैल बी स्पोर्टिव एज फॉन, वो हिरनी के बच्चे की तरह उछलने कूदने वाली होगी, स्पोर्टिव उछलने कूदने वाला। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, और घास के मैदानों में वह उछलती कूदती फिरेगी। और अब द माउंटेन स्प्रिंग, पर्वतों की झरनों पर वहाँ से चढ़ना, वहाँ से कूदना सीखेगी। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाउंड, और यही उसकी सुंदरता का मुख्य आकर्षण होगा। एंड हर्स द साइलेंट एंड द कॉम, उसके अंदर बहुत शांत शक्ति होगी जिससे वो सभी को आनंदित करेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, नेक्स्ट स्टैंजा बच्चों, द फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, देयर स्टेट शैल लैंड, उसकी झलक पाकर झुकेंगे, आएंगे टू हर हर बिलो बेंड, और झुककर उसके पास तक आएंगे। नॉट शैल सी फेल टू सी, वो उन्हें अवश्य देखेगी, ऐसा नहीं कि वो देख नहीं पाएगी उन बादलों को, झुके हुए बादलों को अवश्य देखेगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ तक कि तूफानों की गतिशीलता में भी। ग्रेस दैट शैल माउंट द मेडन्स फॉर्म, ये एक बच्ची की दया बढ़ेगी, इससे बच्ची की दया बहुत बढ़ेगी, और इससे ही अपनी शांत दया से सभी को वो अपनी दया का आशीष देगी। नेक्स्ट स्टैंजा, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, उसे अर्धरात्रि के तारे बड़े प्रिय होंगे। टू हर एंड शैल लीन टू हर, उसके कानों तक आएंगे झुक के, वो अर्धरात्रि के तारे, आधी रात पे चमकने वाले तारे उसके कानों तक आएंगे। इन ए मैनी सीक्रेट प्लेसेस, बहुत सारे रहस्यमय उसे स्थान बताएंगे,
वे रिव्यूल्स डांस देयर बेवर्ड राउंड, जहां पर परियां गोल गोल नाच करती हैं, गोल गोल घूमकर नाच करती हैं, परियों जैसा नाच, जैसे रानी राजकुमारी जो गोल गोल नाच करती हैं, उस तरह से परियां भी डांस करेंगी। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इन टू हर फेस, ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मनमोहक मुस्कान आ जाएगी, सुंदरता की और खुशी की मुस्कान आ जाएगी उसके चेहरे पर। इस तरह से प्रकृति मैंने बहुत सारी प्रकृति माने बहुत सारी तैयारियां कर ली, थोड़ी सी तैयारी और है आगे। एंड द वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, इस तरह से प्रकृति माँ बहुत खुश थी कि बहुत सारी तैयारियां करूंगी मैं उसके लिए, और मैं उसके लिए पवित्र विचार भरूंगी उसके अंदर, उसके दिमाग में मैं पवित्र विचार भरूंगी। शैल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट, और यही पवित्रता उसकी ऊंचाई बढ़ाएगी, यही पवित्रता जो मैं उसे दूंगी उससे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी और उसका शरीर विकसित होगा। हर वर्जिन बॉसम सोयल का मतलब एक छोटी बच्ची से लेकर एक पूर्ण स्त्री बनने में जो भी शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, ऊपर से और अंदर से परिवर्तन होते हैं, वो एक छोटी सी लड़की से पूर्ण स्त्री बनने में वो सारे परिवर्तन उसके अंदर होंगे। सच थॉट्स ऑफ लूसी आई विल गिव, इस प्रकार मैं लूसी को बहुत अच्छे विचार दूंगी। व्हाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, वह और मैं दोनों यहाँ पर बहुत प्रसन्नता पूर्वक खुशी से रहेंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डेल, इस सुंदर नज़ारे में, सुंदर प्रकृति में। इस तरह से प्रकृति की माँ की शिक्षा हो गई यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हिरनी के बच्चे की तरह खेलने वाली होगी वह मेरी होगी, और खुले रास्ते में, बंद रास्ते में, स्वर्ग में, हेवन में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और उसके अंदर विशेष शक्ति होगी, यहाँ वो हिरनी के बच्चे की तरह होगी जो घूमती फिरेगी, झरनों पर भी जाएगी और उसके अंदर सभी को अच्छे से सांस लेकर महसूस करेगी, साइलेंट शांत दया उसके अंदर आएगी। बादलों की बात यहाँ पर लिखी, उन्हें बादल तैरते बादल उसे देखेंगे, उसके कानों तक झुककर उसके पास तक आएंगे और वो तूफानों की गतिशीलता में भी जो है स्थिर रहेगी। और आगे वो तारों की बात करते हैं, तारे भी उसके पास आएंगे, उसके पास झुक कर आएंगे और बहुत सारे रहस्यमय स्थान बताएंगे उसे जहाँ पर परियां अपना गोल गोल डांस करती हैं। यहाँ पर बहुत पवित्र विचार लूसी को पवित्र विचार प्रकृति माँ देगी यहाँ पर, और वही पवित्रता उसके सारे शरीर को विकसित करेगी, उसे पूर्ण युक्ति बनाएगी। और वह और प्रकृति माँ दोनों स्वतंत्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर प्रकृति में रहेंगे। इतनी सारी तैयारी पूरी हो गई और अंत में बच्चों देखा गया ध्यान से, जब अंत समय आया तो 10 नेचर स्पेक, स्पेक माने स्पोक, सेकंड फॉर्म लगी हुई पोएट्रिकल लैंग्वेज है, बच्चों समझना इसे, इसका मतलब है कहा, स्पोक द नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रतिमा ने कहा। द वर्क वॉज डन, सारा का सारा काम हो गया। हाउ सून माई लूसी रेस वॉज डन, कितनी जल्दी मेरी लूसी की दौड़ पूरी हो गई। शी वॉज डेड, वे मर गई एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़ गई, वे मर गई और मुझे अकेला छोड़ गई। दिस हीट, दिस काम, दिस क्वाइट सीन, ये शांति, ये शांत वातावरण और ये सब चारों ओर केवल शांति है शांति, ये तो माहौल और मौसम रहेगा। द मेमरी ऑफ वॉट हैज़ बीन, और जो हुआ है उसकी याद भी रहेगी। नेवर मोर विल बी, परंतु लूसी का सुंदर सलोना सा चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा, हमें दोबारा कभी, फिर कभी लूसी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी पोइम थी बेटा, आप लोगों को समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार फिर वीडियो, एक बार दो बार, कितने बार भी देख सकते हो आप, ठीक है, देखना अच्छे से। ओके बच्चों, इसकी एक्सरसाइज भेज रहा हूँ वो भी कर लीजिएगा।